हमारे नेता काम करते हैं धरती पर, हमारे प्रधानमंत्री बिना अवकाश किए काम करते हैं देश के लिए, इसीलिए जब ऐसी खुशी मिलती है तो उत्साह दुगना हो जाता है। हेट में कह दे तो इंडिया अलायंस जो था चोर बेईमानों का अलायंस था। 2024 में एक बार पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री 400 के साथ बनने जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोची के समान है, जनता मस्त है और कांग्रेस पस्त है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं विमर्श। देखिए, बीजेपी को 3 राज्यों में मिली जीत के बाद पटना के बीजेपी कार्यालय में काफी हर्षोल्लास का माहौल है। कैमरामैन दिखाइए, जिधर भी आपकी नजर जाती होगी चारों ओर सिर्फ और सिर्फ हर्षोल्लास की माहौल नजर आ रही है। चलिए हम बात करेंगे, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं सर, क्या बात है? स्वाभाविक है, उत्साह हमारे मेहनत का परिणाम है। हमने जो मेहनत किया है उसका परिणाम आज परिलक्षित हुआ है, उत्साहित होना ही है। और मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा उत्साह ये कोई क्षणिक उत्साह नहीं है। 365 दिन हम काम करते हैं धरती पर, हमारे नेता काम करते हैं धरती पर, हमारे प्रधानमंत्री बिना अवकाश किए काम करते हैं देश के लिए, इसीलिए जब ऐसी खुशी मिलती है तो उत्साह दुगना हो जाता है। INDI के सबसे बड़ा दल कौन है? कांग्रेस। उसका लीडर कौन है? राहुल, जिसको बच्चा बच्चा बिहार में, बिहार का पूरे भारत में पप्पू समझता है। जब उतना बड़ा महामूर्ख पार्टी के लिए हेडेक होल है तो हम लोग के लिए बिहार में तो हेडेक है ही। अब पार्टी उससे भी निजात पाएगी। क्या लगता है जो परिणाम अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, कि परिणाम बिहार में देखने को मिलेगा? मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए पूरे बर्तन में एक दो दाने से आप पता कर लेते हैं कि चावल पक गया। तो उसी तरह से 3 राज्य, कोई छोटा मोटा नहीं, राजस्थान बहुत क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में भारत का दूसरा बड़ा राज्य, ठीक ना, 200 सीट वहाँ, 230 सीट, 430 सीट, छत्तीसगढ़ 90, 430 90, 520, तो 520 में कितना हम लोग हैं? 300 से ऊपर। तो भाई दो चावल से जब हम पूरे बर्तन का आकलन कर लेते हैं तो एक 3 राज्यों, बड़े राज्यों का चुनाव ये आभास करा दिया है पूरे भारत की जनता को, विपक्षियों को भी, कि 2024 में भी अब कोई गुजारा नहीं है। 2024 में एक बार पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री 400 के साथ बनने जा रहे हैं। चलिए, तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा, जिस प्रकार से 3 राज्यों के चुनावी परिणाम आया है जिसमें बीजेपी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, उसका असर आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अब देख सकते हैं पार्टी कार्यालय में जहां तहां, जहां नजर जाता होगा वहां सिर्फ और सिर्फ भीड़ जो है हर्षोल्लास के साथ दिवाली मना रही है, और कार्यकर्ता जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लड्डू भी खिला रहे हैं। बात करेंगे, इधर इधर दिखाइए कैमरा में, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं सर। क्यों, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीती है, कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, तो उत्साहित तो होंगे, स्वाभाविक है। लेकिन विपक्ष तो कह रही थी कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, 3 राज्यों में कमल को खिला दी होगी प्रचंड बहुमत से। विपक्ष का आज से नहीं, बहुत पुराना बीमारी उनका है कि सुपड़ा दूसरे को साफ करते हैं। आज सुपड़ा उनका खुद साफ हो जाता है, सुपड़ा उनका खुद साफ हो जाता है। और जो जीत हुई है आगाज है ना, ये तो झांकी है, राजस्थान मध्य प्रदेश झांकी, और अब बिहार बाकी है 2025 में, और 24 में 400 पार। 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी है, क्या कुछ कहिएगा? 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड बहुमत में सरकार बनी है सर, ये बनना था। हमारे नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमारे यहाँ कोई कम्युनिटी बातें नहीं करते हैं, जात की जनगणना नहीं कराते हैं, वो महिलाओं की जात कहते हैं, वो गरीबों की जात कहते हैं, वो युवाओं की जात कहते हैं, वो बुजुर्गों की जात कहते हैं, और सबका सम्मान मिले, देश का विकास हो, ये चाहते हैं। तो जनता के मन में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी ही थे, क्योंकि जिन्होंने इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत दिलाने में जो काम किए हैं वो जनता के दिल में थे, और जनता को काम किए थे, जनता को शांति दिलाए थे। तो जहां अमन चैन शांति सब कुछ है, वहां जनता अब बेवकूफ नहीं है। कांग्रेस को आज समझ में आ गया होगा कि हम कैसे पस्त हो गए, हमारे नरेंद्र मोदी जी को गाली दिया, वो गाली हमारे ये पटना जिला के देहाती भाषा में है कि हम तोहर बैना लौटा देनी, वो बैना लौटा दिए।
जिस प्रकार से केंद्र की राजनीति भी अभी बहुत नजदीक है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है और अभी जो है तीन राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ आपकी सरकार बन रही है, आने वाले दिनों में बिहार में इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा? आने वाले दिनों में बिहार में परिणाम दिखेगा। बिहार में भाजपा की शासन होगी और बिहार की भी जनता समझ गई है कि भाजपा के बिना जनता के कल्याण नहीं है। इंडिया एयरलाइंस बनी थी मैम बीजेपी को मिटाने के लिए, लेकिन बीजेपी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तीन राज्यों में लगातार इतनी बड़ी बढ़त से जीत हासिल की है, क्या लगता है? ठेठ में कह दे तो इंडिया एयरलाइंस जो था चोर बेईमानों का एयरलाइंस था, उन्होंने दावे अपने दाव और अपने गेम खेलने वाले के था और इसीलिए उन लोग वो लोग कभी एक नहीं होते, एक जंगल में अनेकों सेम जो मांस भक्षण करते हैं और एक साथ हो जाए तो बांस के लोथरा के लिए नोचा नोची छीना छीनी हो जाएगा, इसीलिए इंडिया एलायंस जो था वो फरेब था। कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र में जिसकी लाठी है राज्य में उसकी भैंस है। कांग्रेस के प्रवक्ता अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोची के समान है, जनता मस्त है और कांग्रेस पस्त है, मोटी और छोटी जवाब। 2024 की क्या रणनीति रहेगी? 2024 की रणनीति हमारी सबसे अच्छी है, हम खुद आ रहे हैं, बहुमत के साथ आ रहे हैं और जनता हमें स्वीकार कर रही है, स्वीकार करेगी। हम लोग नम्र होकर जनता के पास जाते हैं, उनके दिल और दिमाग को पढ़ते हैं बस। देखिए बीजेपी कार्यालय का आपने माहौल देखा, किस प्रकार से होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। ये होली और दिवाली इसलिए मनाई जा रही है क्योंकि बीजेपी को जो है तीन राज्यों में बड़ी बढ़त से जीत मिली है। इस बार में आप इतना ही, आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।